हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी की सही उम्र 25 साल से लेकर 30 साल तक होती है। हालांकि कुछ लोग 35 साल तक भी शादी की सही उम्र मानते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में कैरियर बनाने के चक्कर में लोग शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी हीरोइनों ने तो 40 साल के बाद शादी रचाई। तो चलिए जाने उन हीरोइनों के बारे में जिन्होंने 40वां पड़ाव पार करके शादी की। नंबर एक, नीना गुप्ता। सबसे पहले नाम अगर ज़्यादा उम्र में शादी करने के लिए लिया जाए तो नीना गुप्ता सबसे ऊपर है। 49 साल की उम्र में नीना गुप्ता ने दिल्ली के CA विवेक मेहरा से शादी रचाई थी। नंबर दो, प्रीति जिंटा। डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा की अफेयर की खबरें कई एक्टर से रही, हालांकि वो महज अफवाह साबित हुई। साल 2016 में प्रीति जिंटा ने 41 साल की उम्र में बिजनेसमैन जीन गुडनाइफ से गुपचुप तरीके से शादी की थी। नंबर तीन, उर्मिला मातोंडकर। रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर ने साल 2016 में 42 साल की उम्र में कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर मीर से शादी की थी। उर्मिला ने गुपचुप तरीके से शादी की थी। बता दें कि मोहसिन उर्मिला से उम्र में 10 साल छोटे हैं। नंबर चार, सुहासिनी मूले। बेहतरीन अदाकारा सुहासिनी मूले कई फिल्मों और सीरियल्स में दिख चुकी है। सुहासिनी लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रही। 1990 में उनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद वो सिंगल ही रही। साल 2011 में सुहासिनी ने 60 साल की उम्र में अतुल गुट्टू से शादी रचाई। नंबर पाँच, मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला ने नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से साल 2010 में शादी की थी। बता दें कि जब उन्होंने शादी की तब उनकी उम्र 40 साल थी। हालांकि उनकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और शादी के 2 साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया।